हेलो व्यूअर्स, सिनेमा ओपन होने के साथ ही बहुत सी मूवीज की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपकमिंग मूवीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यवंशी के बारे में। सूर्यवंशी अपकमिंग एक्शन मूवी है जिसमें लीड रोल प्ले करेंगे अक्षय कुमार। अक्षय के साथ होंगी कटरीना कैफ और इस मूवी में रणवीर सिंह, अजय देवगन का भी कैमियो होने वाला है। मूवी में जैकी शेरफ, जावेद जाफरी, गुलशन ग्रोवर और अभिमन्यु सिंह भी होंगे। मूवी के डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी और मूवी जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। ऑडियंस को इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा है, पर अब ये मूवी 4 नवंबर 2021 को रिलीज हो रही है, तो इस बार दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना देगी सूर्यवंशी मूवी। एक और बड़ी मूवी तड़प भी आने वाली है जल्द ही स्क्रीन पर। मूवी में अहान शेट्टी का डेब्यू होने वाला है और उनके साथ होंगी तारा सुतारिया। मूवी के प्रोड्यूसर है साजिद नडेडवाला और मूवी के डायरेक्टर है मिलन लूथरिया। मूवी 3 दिसंबर 2021 को स्क्रीन पर नजर आने वाली है। इसके अलावा 83 मूवी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर सिंह और उनके साथ नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। मूवी के डायरेक्टर हैं कबीर खान। मूवी क्रिकेटर्स की लाइफ पर बनी है। इस मूवी को इंडिया में शूट किया गया है। ये मूवी जल्द ही स्क्रीन पर धमाल मचाने आ रही है। मूवी 24 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। एक और मूवी जिसका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है यानी पुष्पा। पुष्पा जल्द ही रिलीज होने वाली है। पुष्पा को हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। पुष्पा के डायरेक्टर हैं सुकुमार और प्रोड्यूसर हैं नवीन और रवि शंकर। एक्शन ड्रामा जनवरी की इस मूवी में हमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, विजय, दीपक शेट्टी, जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। पुष्पा के लिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल अलग। और फाइनली ये मूवी 24 दिसंबर 2021 को स्क्रीन पर नजर आने वाली है और ये मूवी सुपरहिट रहने वाली है। इसके बाद शाहिद कपूर की मूवी जैसी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। मूवी में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी मृणाल ठाकुर। इस हिंदी लैंग्वेज मूवी के डायरेक्टर हैं गौतम तिवारी और मूवी की शूटिंग चंडीगढ़ में की गई है। मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमन गिल, दिल राजू, नागा वश्मी। ये मूवी 31 दिसंबर 2021 को स्क्रीन पर आएगी और स्क्रीन पर धूम मचाएगी। सुपरस्टार रणवीर सिंह की एक और मूवी भी रिलीज होने वाली है जिसमें उनके साथ होंगी पूजा हेगड़े। मूवी सर्कस के डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। मूवी को मुंबई, ऊटी और गोवा में शूट किया गया है। कॉमेडी जनवरी की इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं रोहित शेट्टी और भूषण कुमार। मूवी की कास्ट में रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, विजय पाठ जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। मूवी में दीपिका पादुकोण और अजय देवगन की स्पेशल अपीयरेंस भी होने वाली है और ये मूवी रिलीज होगी 31 दिसंबर 2021 को। वहीं प्रभास की मूवी राधे श्याम भी रिलीज होने वाली है। इस मूवी को हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। मूवी के डायरेक्टर हैं राधे कृष्णा कुमार और मूवी के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार। रोमांस जनवरी की ये मूवी 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी और ये मूवी सुपरहिट रहने वाली है। प्रभास के फैन उनको स्क्रीन पर देखने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं और प्रभास की ज्यादातर मूवी सुपरहिट ही रहती है। अक्षय कुमार की एक और बड़ी मूवी पृथ्वीराज भी रिलीज होने वाली है। पृथ्वीराज के डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश। एक्शन ड्रामा जनवरी की इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। मूवी की कास्ट में अक्षय कुमार, मनोशी चिल्लार, संजय दत्त और सोनू सूद हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ये मूवी 21 जनवरी 2022 को सिनेमा में आएगी। एक विलन के बाद अब एक विलन रिटर्न भी स्क्रीन पर आने वाली है। इस बार मूवी की कास्ट बिल्कुल डिफरेंट होगी और स्टोरी भी बिल्कुल नई होगी। मूवी में जॉन इब्राहिम, दिशा पटानी, तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर शामिल होंगे। मूवी के डायरेक्टर हैं मोहित सूरी और एक्शन जनवरी की इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं भूषण कुमार और एकता कपूर। मूवी का म्यूजिक भी काफी कमाल का होने वाला है और तारा सुतारिया भी इस मूवी में अपनी आवाज को आजमाने वाली हैं। यानी तारा सुतारिया की आवाज में भी एक सॉन्ग होगा इस मूवी का। ये मूवी 11 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। 2022 में आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा भी हमें देखने को मिलने वाली है। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड मूवी का रीमेक है। आमिर खान हमेशा ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज के साथ नजर आते हैं। लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर हैं अद्वैत चंदन और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं आमिर खान और किरण राव। मूवी की कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर, मोना सिंह, नागा चैतन्या शामिल हैं। ये मूवी 14 फरवरी 2022 को रिलीज होने वाली है और इस मूवी से ऑडियंस की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं।
रणवीर सिंह की मूवी जेश भाई जोरदार भी रिलीज होने वाली है। कॉमेडी जानवी की इस मूवी के डायरेक्टर हैं दिव्यांग ठाकुर और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं मनीष शर्मा। मूवी की शूटिंग इंडिया में ही की गई है और मूवी की कास्ट में रणवीर सिंह, शिलानी पांडे, बमन ईरानी और रत्ना पाठक शामिल हैं। यशराज फिल्म्स की बैनर तले बनने वाली ये मूवी 25 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की मूवी बचन पांडे भी 2022 में हमें एंटरटेन करने आ रही है। मूवी के डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी और मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं साजिद नडेडवाला और वरदा नडेडवाला। एक्शन कॉमेडी जानवी की इस मूवी की कास्ट में अक्षय कुमार, कृति सेनन, अर्शद वर्सी, जैकलीन फर्नांडिस, पंकज त्रिपति, अभिमन्यु सिंह शामिल हैं। मूवी को 4 मार्च 2022 को रिलीज किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये मूवी अक्षय के फैंस को एंटरटेन कर पाती है या नहीं। रणबीर कपूर जिनके फैंस उनको काफी समय से मिस कर रहे हैं क्योंकि वो काफी समय से स्क्रीन पर नहीं आए, अब अपनी मूवी शमशेरा के साथ जल्द ही ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। शमशेरा की कास्ट में रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर शामिल हैं। एक्शन ड्रामा जनवरी की इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं करण मल्होत्रा और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ये मूवी हिस्टोरिकल स्टोरी पर बेस्ड होगी और 18 मार्च 2022 को रिलीज होगी। इस मूवी में पहली बार रणबीर कपूर को हम एक नए अंदाज में देखने वाले हैं। एक और बड़ी मूवी भूल भुलैया 2 भी जल्द ही स्क्रीन पर आने वाली है। मूवी में लीड रोल प्ले करेंगे कार्तिक आर्यन और मूवी में फीमेल लीड रोल में होंगी कियारा आडवाणी। भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर हैं अनीस बज्मी और मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं भूषण कुमार, मुराद कितानी और कृष्ण कुमार। मूवी की कास्ट में कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी, तब्बो और राजपाल यादव शामिल हैं। मूवी के राइटर हैं फरहाद सामजी और आकाश कौशिक। मूवी 25 मार्च 2022 को रिलीज होगी। KGF चैप्टर 2 जो एक कन्नड़ा भाषा की मूवी है, इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं प्रशांत नील। KGF चैप्टर 1 2018 में रिलीज होने वाली मूवी की इंस्टॉलमेंट है। KGF चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज नजर आएंगे। मूवी का बजट 100 करोड़ है। मूवी की डब वर्जन तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में होंगी। KGF चैप्टर 2 के लिए ऑडियंस का क्रेज हम सबको पता ही है और ये मूवी बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस मूवी के लिए ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि KGF चैप्टर 2 आ रही है स्क्रीन पर धूम मचाने 14 अप्रैल 2022 को। 2022 में हमें वरुण धवन की मूवी भेड़िया भी देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन। कॉमेडी हॉरर जनवरी की इस मूवी की कास्ट में वरुण धवन, कृति सेनन, दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। मूवी के राइटर हैं नीरन भट्ट। मूवी को इंडिया में शूट किया गया है और मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। सुपरस्टार प्रभास की मूवी सालार भी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। 14 अप्रैल 2022 को हमें 3 बड़ी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, सालार, KGF चैप्टर 2 और भेड़िया। अब देखना यह है कि इन मूवीज में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी। सालार के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील। एक्शन जनवरी की इस मूवी में हमें प्रभास के साथ नजर आएंगी श्रुति हसन और इस मूवी में जगपति बाबू विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं। ऑडियंस को सिनेमा तक लाने के लिए प्रभास का नाम ही काफी है, इसलिए ये मूवी काफी सक्सेसफुल रहने वाली है। 2022 में हमें हीरोपंती 2 भी देखने को मिलने वाली है जो कि हीरोपंती का सीक्वल है। इस बार फिर हीरोपंती में टाइगर शरूफ हमें नजर आएंगे और इस बार उनके साथ होंगी तारा सुतारिया। हीरोपंती 2 के डायरेक्टर हैं अहमद खान और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं साजिद नडेडवाला। एक्शन रोमांस जनवरी की इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 6 मई 2022 को। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं AR रहमान। अजय देवगन के भी फैन हो जाएं तैयार क्योंकि अजय देवगन की मूवी मेडे भी आने वाली है 2022 में। मेडे के डायरेक्टर हैं अजय देवगन और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी अजय देवगन खुद हैं। एक्शन थ्रिलर जनवरी की इस मूवी को शूट किया गया है हैदराबाद में और इस मूवी की कास्ट में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह और बमन ईरानी होंगे और ये उम्मीद है कि मेडे में हमें एक नई और यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी। मेडे 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की एक और मूवी रक्षाबंधन भी रिलीज होने वाली है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है आनंद राय ने। मूवी के राइटर हैं हिमांशु शर्मा और कनिका धिलन। ड्रामा जनवरी की इस मूवी की कास्ट में अक्षय कुमार, भूमि पदनीकर और सादिया हतीफ होंगी। मूवी को 11 अगस्त 2022 को रिलीज किया जाएगा।
2022 में हमें आदि पुरुष जैसी एक मूवी भी देखने को मिलने वाली है। आदि पुरुष में फिर से राम और सीता की कहानी को दोहराया जाएगा। इस बार लंकेश के रोल में होंगे सैफ अली खान, सीता होंगी कृति सेनन और प्रभास होंगे राम के रूप में। इस मूवी को हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। मूवी के डायरेक्टर हैं अमरूद। ये मूवी इसलिए भी बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि सैफ अली खान विलन के रोल में नजर आने वाले हैं और प्रभास होंगे हीरो। राम और सीता की कहानी को बहुत बार दोहराया गया है लेकिन ये कहानी हर बार एक नए रूप में हमारे सामने आती है। अब देखना यह है कि इस बार ये कहानी ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएगी या नहीं। आदि पुरुष को 11 अगस्त 2022 को रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर की एक और मूवी एनिमल भी 2022 में रिलीज होने वाली है। मूवी में रणबीर के साथ नजर आएंगी प्रीति चोपड़ा। मूवी के डायरेक्टर हैं संदीप वांगा। मूवी की कास्ट में रणबीर कपूर, प्रीति चोपड़ा, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे बड़े स्टार शामिल हैं। मूवी के राइटर हैं संदीप वांगा। एक्शन थ्रिलर जनरी की इस मूवी को अक्टूबर 2022 में रिलीज किया जाएगा। अक्षय की एक और मूवी राम सेतु 2022 में ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रही है। मूवी के डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा और मूवी को अयोध्या में शूट किया जाएगा। मूवी की कास्ट में अक्षय कुमार, जैकलीन और नुसरत ब्रुचा शामिल हैं। राम सेतु 24 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। टाइगर शरीफ के फैंस भी हो जाएं तैयार क्योंकि गणपत पार्ट 1 भी होने वाला है 22 में रिलीज। गणपत पार्ट 1 में टाइगर शरीफ के साथ होंगी कृति सेनन और इस मूवी के डायरेक्टर हैं विकास बहल और गणपत 23 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी 2023 में स्क्रीन पर आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद। एक्शन जनरी की इस मूवी में हमें ऋतिक के साथ नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। मूवी को इंडिया में शूट किया गया है। 26 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। 2022 में और भी बहुत सी मूवीज रिलीज होने वाली हैं और बहुत सी मूवीज ऐसी हैं जिनकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी पठान भी 2022 के मिड में रिलीज कर दी जाएगी। पठान में शाहरुख के साथ होंगी दीपिका पादुकोण और विलन के रोल में होंगे जॉन अब्राहम। ये मूवी इसलिए भी ज्यादा स्पेशल होने वाली है कि इसके डायरेक्टर और राइटर हैं सिद्धार्थ आनंद जो कि वार जैसी सक्सेसफुल मूवीज बना चुके हैं। शाहरुख की इससे पहले आने वाली मूवी ऑडियंस को ज्यादा एंटरटेन ना कर सकी लेकिन अब ये आशा है कि शाहरुख और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर से रंग जमाए। पठान मूवी में शाहरुख खान मल्टी लुक्स में नजर आएंगे और अगर बात करें मूवी की शूटिंग लोकेशन की तो मूवी को मुंबई में शूट किया जा रहा है और कुछ सीन दुबई में भी शूट किए जाएंगे। पठान एक्शन और सस्पेंस से भरपूर मूवी होने वाली है। शाहरुख खान 3 साल के ब्रेक के बाद फिल्म कर रहे हैं इसलिए उनके फैंस ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहां शाहरुख खान हमें पठान में नजर आने वाले हैं वहीं सलमान खान की मूवी टाइगर 3 भी 2022 में रिलीज होने वाली है। टाइगर 3 में एक बार फिर से सलमान टाइगर के रोल में होंगे और कटरीना हमें नजर आएंगी जोया के रूप में। इस बार इमरान हाशमी टाइगर 3 में स्ट्रॉन्ग विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। टाइगर 3 हैवी बजट एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी होने वाली जो 2022 में स्क्रीन पर आएगी। 2002 में हमें ट्रिपल आर भी देखने को मिल सकती है जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इस मूवी में एक्शन और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में हमें NTR, रामा राव, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार देखने को मिलेंगे। इस मूवी की स्टोरी दो ऐसे लीडर्स के गिर्द घूमती है जो हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते हैं और इस मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ है और इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। मूवी को हैदराबाद में शूट किया गया है और मूवी की शूटिंग नवंबर 2018 में शुरू हुई और अब ये उम्मीद है कि ये मूवी 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।